वेलकम बैक। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में आज मेरे साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई है। वो ये है कि मैं फंस चुका हूँ एक केव में। इससे पहले मैं बहुत ही आराम से ऊपर से घूम रहा था। अभी फ़िलहाल मैं अपने कैसल के आसपास नहीं हूँ, तो मैंने एक बोट ली और बोट लेके फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आया मीन्स मैं ग्राउंड पे आया, और मैंने सोचा थोड़ा माइन कर लिया जाए। तो मैंने जैसे ही ऊपर के दो ब्लॉक को हटाया और फाइनली अब मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैं नीचे गिर चुका हूँ। तो फिलहाल वो तो अच्छी बात है कि मेरे पास कुछ आइटम्स भी हैं जो कि मेरे काम आ जाएंगे, जैसे ये टॉर्च हो गया, या मेरे पास डिफेंस के लिए और माइन के लिए भी सामान है, क्योंकि मैं माइन के पर्पस से ही यहाँ आया था। तो फिलहाल चलो एक्सप्लोर करते हैं इस केव को। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे ऊपर की साइड पे दिख रहा है आयरन, तो उसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिलहाल यहाँ पे इतने दिन मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट कर ली है और मेरे पास फॉर्च्यून 3 है, तो अब तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बस यहाँ से अब अपने को बहुत सारा रिसोर्सेज जमा करना है और फिर निकल जाना अपने घर की तरफ। तो फिलहाल यहाँ पे स्केप को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से जितना भी आयरन है उसे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ही काम आने वाला है अपने आगे के वीडियोज़ में। तो ठीक है, यहाँ पर आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्च्यून 3 की पावर क्या है। बहुत ही ऑसम पावर है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ डबल हो जा रहा है आई थिंक। और यहाँ पे कुछ कोल भी है, तो कोल को भी मतलब हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोल भी ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है सारा कोल। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे कोल कलेक्ट हो गया और मेरे सामने मुझे फिर से आयरन दिख चुका है। ओ भाई, यहाँ पे तो रेड स्टोन भी है, ठीक है, मतलब रेड स्टोन डस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से मैं आयरन को ले लेता हूँ, और फिलहाल अपने शायद इस पे अनब्रेकिंग भी लगी हुई है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा मुझे रेड स्टोन डस्ट मिल चुका है। ओ भाई साहब, यहाँ 15 हो गए ये, और यहाँ पे भी था, और फाइनली अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है सारा रिसोर्स। तो ठीक है, अभी और देखते हैं, क्या पता है यहाँ पे और भी। ओ भाई साहब, यहाँ पे भी है, इतने ऊँचे पे भी है, तो यहाँ पे भी चढ़ जाते हैं आराम से। बस नीचे नहीं गिरना है मुझे, क्योंकि खाने के लिए भी अपने पास आइटम है पर उतनी भी नहीं। ओ भाई, 6 है अपने पास, और मतलब कुक्ड पॉर्क चॉप है अपने पास 6 यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ से कलेक्ट करते हैं इन सब आयरन को और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पे सब चीज़ बहुत ही अच्छे से हो चुका है कलेक्ट, अब बस नीचे की ओर जाना है। और कुछ जो आयरन है वो नीचे भी गिर चुका है, तो ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे बस मुझे देखते देखते जाना है कि कहीं कुछ मिल जाए, क्या पता और भी ज़्यादा आयरन। ओ भाई साहब, ये तो गजब हो गया ना मतलब। और यहाँ से इस आयरन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन है, बहुत ही ज़्यादा आयरन केव है क्या? ओ भाई साहब, यहाँ पे कास्ट डायमंड मिल जाए, क्योंकि ये केव बहुत ही बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे आई होप यहाँ पे बहुत सारा डायमंड भी होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे जिस क्वांटिटी में आई थिंक यहाँ पे आयरन मिल रहा है उस हिसाब से। ओ भाई, एक स्टैक होने वाला अभी। और यहाँ पे ओ भाई साहब, ये पूरा मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, हर जगह मुझे आयरन ही मिल रहा है। तो ठीक है, जितना आयरन मिल रहा है कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे कोल भी है, तो कोल को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कोल को भी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर हम लोग अपने घर जाएंगे। और मैंने बहुत ही मतलब बहुत ही नहीं, बस अपना काम थोड़ा सा कम्प्लीट किया है, क्योंकि इससे पहले मैं काम कर रहा था अपनी दूसरी वीडियोज़ पे जो कि चली नहीं वैसे, मॉब बैटल। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉर्च को लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे की ओर। ओ भाई साहब, ये क्या है? आई थिंक ये गोल्ड है, और ये क्या है? रॉ कॉपर है। ओ नहीं, रॉ कॉपर नहीं है यहाँ पे। ओ आयरन, और यहाँ पे ये रहा रेड स्टोन डस्ट। तो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं फिलहाल जल्द से जल्द इस रेड स्टोन डस्ट को, और वहाँ पे गोल्ड भी मिल चुका है अपने को, बस देखना है कि वो कलेक्ट कितना हो रहा है, क्योंकि फॉर्च्यून 3 पे मतलब ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ पे एक स्टैक अपने पास कंप्लीट हो चुकी थी, और यहाँ पे ये रहा गोल्ड फाइनली। तो यहाँ पे गोल्ड को कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना गोल्ड अपने हाथ में आता है, बस इतना ही। ओ भाई साहब, अब देखना पड़ेगा इन्वेंट्री में। ओ 12 रॉ गोल्ड फाइनली, तो ये अच्छा नंबर है। ओ भाई साहब, मुझे लगा वहाँ पे कोई है अभी। फिलहाल यहाँ पे इसे भी नहीं छोड़ेंगे, चलिए ले लेते हैं। और यहाँ पे टॉर्च की भी बर्बादी मुझे नहीं करनी है, तो ठीक है यहाँ पे आते हैं। वैसे मैंने अपने बो में भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कर दिया है, जो कि मतलब कॉमन है इस गेम में, लेकिन मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि ये मतलब यहाँ पे आग लगा देता है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, और ये देख सकते हो यहाँ पे फायर मतलब आग लग चुकी है। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे चलाना नहीं है फिलहाल। अब मैं उधर कैसे जाऊँगा यार, मैं खुद चल जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आ जाता हूँ। और फाइनली मेरा जो एरो था वो कलेक्ट हो गया, मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो कलेक्ट भी होता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉर्च लगाते जाता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इधर को जा रहा है, एक उधर को। ओ भाई, वहाँ पे कोई था ना? ओ वहाँ पे क्रीपर है, तो ठीक है उधर नहीं जाते हैं।
इस तरफ आ जाते हैं। ओ भाई साहब, ये तो अंडरग्राउंड आई थिंक, और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, ये मैं कहाँ आया था। एक सेकेंड यार, नीचे क्या है? ओ ओ ओ, ये गलत सीन हो जाएगा अगर मैं गिर गया तो। मेरे पास अभी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो चले जाएंगे। और ये बहुत ही बड़ी केव है आई थिंक, तो यहाँ पे मतलब देखना पड़ेगा यार कहाँ से आया था मैं। वैसे यहाँ पे भी रास्ता जा रहा है, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो इस साइड पे मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या पता यहाँ पे कुछ मिल जाए। वैसे ये सब पतली पतली जगह मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है फिर। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा यार, मैं कहीं गलत डायरेक्शन में। इधर भी है क्या कुछ? मैं आया किधर से था? अच्छा यहाँ पे देखता हूँ। ओ भाई साहब, यहाँ पे एक चेस्ट है। ओ भाई, इस चेस्ट में देखते हैं क्या मिलता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायमंड मिल चुका है, और यहाँ पे टॉर्च है 5, ठीक है। और यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल भी है, यहाँ पे एक ब्रेड है, ठीक है। यहाँ पे अपना काम हो गया, टॉर्च जो है उसे मैं ले लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला आगे। फिलहाल यहाँ पे ये रेल है, रेल को लेके क्या ही करूँगा। पम्पकिन सीड को रख लेता हूँ, काम ही आएगी क्योंकि अपने घर में लगाने के, ठीक है। और यहाँ पे कोल भी है, तो कोल को भी ले लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे इतना काम हो जाने के बाद अब देखते हैं आगे क्या मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे ओ भाई, ये क्या है यहाँ पे? ओ शिट, नहीं 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 नहीं, मुझे मारना पड़ेगा इसे मारना पड़ेगा किसी तरह, मुझे क्रिटिकल डैमेज देना पड़ेगा इसे। ओ भाई साहब, वो तो ऊपर ही चला गया। एक सेकेंड, वो और एरो किस दिन काम आएगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे क्रीपर है, शिट। ओ यार क्या हो रहा है, यहाँ मत आ जाना। शिट यार, ये बहुत ही, ओ वहाँ पे वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पाइडर था, ऑल राइट, तो उसे मार देता हूँ मैं, और वो तो जल के, ये क्या हुआ, शिट, ये मैं कहाँ फंस गया, हट तेरी। ऑलराइट गाइस, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया था एक बेड को प्लेस, तो मैं वापस से यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे जल्द से जल्द नीचे की ओर जाते हैं और अपने सामान को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है अपने लिए अभी फिलहाल। तो यहाँ पे अपने पास टॉर्च नहीं है, तो मुझे टॉर्च को फॉलो करना पड़ेगा, और मुझे देखना पड़ेगा वो आखिर है कहाँ वो जगह, क्योंकि अभी हम लोग भटक चुके थे कुछ देर पहले तक। तो यहाँ पे देखते हैं, एक टॉर्च यहाँ जा रही थी। ओ भाई, यहाँ पे था वो चेस्ट, और यहाँ पे ये रहा मेरा सारा सामान। तो ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं जल्द से जल्द, और कुछ समय के लिए पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है वहाँ पे है कौन, क्या है, नहीं है। वैसे मुझे मारा किसने था, आई थिंक मैं उस वेब में फंस गया था। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपने पास सारा सामान है कि नहीं अपने पास। तो ठीक है, यहाँ पे डायमंड पिकैक्स है, ऑल राइट। तो यहाँ पे एक और डायमंड पिकैक्स थी मेरे पास आई थिंक, जो कि गायब है यहाँ पे। तो ये कौन सी वाली है? ठीक है, ये फॉर्च्यून 3 वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं दोबारा से और देखते हैं आखिर किसने मारा था मुझे। ओ भाई साहब, यहाँ पे क्रीपर आ गया था उस टाइम पे आई थिंक। तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे ये रहा मेरा सामान, मिल चुका है मुझे। और यहाँ पे ये रहा मॉब स्पॉनर, तो जिन्हें नहीं पता ये मॉब स्पॉनर क्या करता है, तो ये स्पॉन करता है मॉब को। एक सेकेंड, ये फिर से आ गया, ये स्पॉन होते रहेंगे, ये बार बार स्पॉन होंगे, तो मुझे इन्हें मारना ही होगा किसी तरह भी। ओह शिट, ये क्या कर रहे हैं यार, तो इसे तोड़ना पड़ेगा जल्द से जल्द इस मॉब स्पॉनर को। ओ भाई, मैं फंस गया क्या? ओ भाई साहब, ये मॉब स्पॉनर गया कहाँ? एक सेकेंड, यहाँ पे इसे पहले हटाना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील है, तो यहाँ पे मैं आग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अभी सीन होने वाला है, ये देखो अभी इधर। ओ शिट, तो अभी यहाँ पे सारा जितना भी वेब था वो चल जाएगा, और देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। वैसे वो मॉब स्पॉनर तो डीस्पॉन हो चुका है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे सारे स्पाइडर जितने भी थे वो चल जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ कोने से निकलता हूँ मैं, और यहाँ पे देखते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, और ये क्या, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टाइप है, ये बालकनी टाइप, जो भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा फिलहाल। ओ यार, मेरी नज़र कितनी तेज है, यहाँ पे मुझे मिल चुका है डायमंड। तो मेरे पास एंडर पर्ल था शुरुआत से ही, तो इस एंडर पर्ल को मैं वहाँ पे फेंक देता हूँ और मैं उस पार चला जाऊँगा। तो ठीक है, ऑल राइट, और ये मैं पहुँच चुका हूँ इस साइड। ओ भाई साहब, इधर का रास्ता मैं कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब कुछ इस तरह से कर देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसे कलेक्ट कर रहा हूँ तब तक मतलब कोई मार ना दे पीछे से आके। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अब यहाँ पे जल्द से जल्द मुझे कलेक्ट करना है। अच्छा, ये क्या ग्लिच था यार, मतलब अभी फिर से आ गया था वो। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं इस डायमंड को और देखते हैं कितने डायमंड्स मिल चुके हैं। ओ भाई साहब, कितने हैं? 14 डायमंड्स, वाओ। एक सेकेंड, कुछ गायब तो नहीं है?
अच्छा गायब नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोल भी कलेक्ट करते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पे अपना काम हो चुका है, बस हमें बनाना है एक बोट, क्योंकि बोट जो थी वो मेरी, वो मुझे मिल नहीं रही है। बस अब अपने को उस पार जाना है और वहाँ से अपने बोट को हमें मतलब क्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी वाली बोट मुझे लगता तो है नहीं कि अभी तक वहाँ पे होगी। और बस मुझे नीचे नहीं गिरना है, और इस काम में मैं बहुत ही बड़ा नूब हूँ, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैसे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मुझे सेफ्टी को मतलब बनाए रखना है, ठीक है, ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। नीचे गिर गया तो इस बार तो कोई चारा नहीं है सामान मिलने का, क्योंकि उतना नीचे मैं जा नहीं पाऊँगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे यहाँ तक तो हो चुका है, अब बस ऊपर जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर धीरे धीरे जाता हूँ और उस पार मैं टॉप जाऊँगा फिर। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और यहाँ पे अपना सारा काम कंप्लीट है। ओह शिट, ये कहाँ गिर गया भाई, ऊपर जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। ओह एक सेकेंड, तो ये वही जगह है जहाँ पे मैंने आग लगा दी थी, और ये आग अभी तक मतलब लगी हुई है। तो ठीक है, फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं अपने घर की ओर। ओ भाई किधर से जाना था, ओ यहाँ पे इतना सारा कोल है, इस कोल को छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि कोल से बहुत ही अच्छी डीलिंग होती है अपने विलेज में। तो ठीक है, सारे कोल को यहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कोल कलेक्ट हो चुका है, अब बस मुझे घर जाना है। तो अपने घर का रास्ता किस साइड से था, मतलब मैं आया किधर से था, यहाँ से आया था आई थिंक। ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं नहीं आया था। एक सेकेंड, कहाँ से रास्ता है, आई थिंक ये वाला रास्ता है। तो ठीक है, यहाँ से इस वेब को ले लेते हैं, क्योंकि वेब का बहुत ही ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेब यहाँ था, एक वेब यहाँ था, ठीक है, मतलब वेब स्ट्रिंग, इसका बहुत ही ज़्यादा काम आता है, ठीक है। यहाँ से हटाओ, और मुझे लगता है और भी ज़्यादा वेब स्ट्रिंग हमें ले लेना चाहिए, वहाँ पे तो फ्री का पड़ा हुआ है। तो एक सेकेंड, अब मुझे शायद रास्ता देखा हुआ है। ओ भाई यहाँ पे तो मिल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो गया, और वेब स्ट्रिंग यहाँ से मिल जाएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ से कलेक्ट करते हैं जल्द से जल्द इसे। और मैं सोच रहा हूँ इसे पूरा ख़त्म नहीं करूँ, क्योंकि मतलब फिर उस साइड से इधर आ जाएंगे फिर से मतलब मॉब्स, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, बस यहाँ से अपने घर की तरफ जाना है। और रेड गाइस, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, अब बस मुझे ऊपर की ओर जाना है, और यहाँ पे भी बहुत सारा कोल है। फिलहाल कोल को हम लोग बाद में दोबारा से आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी केव है। ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ, मैं दोबारा से किसी केव में जाता नहीं, पर ये केव मुझे बहुत ही काम की लगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि अपने को कितने सारे आयरन ओर मिले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर की ओर मतलब माइन करते हैं, आई थिंक। ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं, और ये यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं फाइनली। एक सेकेंड, बस थोड़ा मिड में आना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोग आ चुके हैं। तो ठीक है, अब हमें चाहिए था वुड, तो वुड आई थिंक मैं लेके आया हूँ। बस बनाना है क्राफ्टिंग टेबल, तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को क्रिएट करते हैं, और ये बन चुका है क्राफ्टिंग टेबल। अब इस क्राफ्टिंग टेबल पे बस एक बोट बनाना है और पानी के साइड जाना है। वैसे मैं किस साइड से आया था मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रहा अपना सी सोर, और यहाँ पे अपने पास अभी कोई बोट है नहीं, और मेरे घर का डायरेक्शन किधर था, एक सेकेंड। तो फाइनली अब हम लोग सी साइड पे हैं, और यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ अब अपना बोट, और बोट लेके फिर निकलते अपने घर की तरफ। तो फिलहाल यहाँ पे ये रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल में बोट को कुछ इस तरह से बनाते हैं, जिनको नहीं आता वो देख लो, ये बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ पे ये बन चुका है अपना बोट, अब यहाँ से निकलने की बारी है अपनी, और यहाँ से निकलते हैं अब बोट को लेके। ओह शिट, यहाँ पे मैंने इसे फेंक क्यों दिया। तो बस अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे अपना घर आई थिंक यहीं कहीं पे आसपास होना चाहिए, और ये रहा अपना घर, घर आई मीन कैसल, क्योंकि अब हम लोग अमीर लोग हैं, यहाँ पे अपना कैसल है खुद का। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से उतर जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ, और पिछले बार कैसल में बहुत ही ज़्यादा मैंने काम किया था, तो यहाँ पे ये देख सकते हो पिछले बार ये सब कवर नहीं होगा, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं होगा। तो मैंने ब्लॉक से कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में, मैंने मतलब जहाँ से कंप्लीट नहीं किया था इस बार वहाँ से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो का काम तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या ही करोगे देख के, फालतू का मैंने बस ब्लॉक को यहाँ यहाँ प्लेस किया, बस कवर किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के नीचे बस एक प्यारा सा सब्सक्राइब बटन होगा लाल रंग का, उसे दबा देना, और वीडियो के नीचे लाइक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय।